मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाने में जब प्रदेश सरकार फेल हो गई तो ऐसे समय में केंद्र की पहल नई उम्मीद लेकर आई। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उनसे आग्रह किया था और लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसमें से हमको गुजरात से आईनेक्स से मिल रही थी 120 मीट्रिक टन, वहां से भिलाई से राउरकेला देवरी इत्यादि अलग अलग स्थानों से लगभग 450 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने पर सहमति दी गई है। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर हमको मिल गए हैं, जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त है, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। बिस्तर की संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल में एम्स भोपाल को अब मल्टी केयर अस्पताल के रूप में तब्दील किया जा रहा है और एम्स में अब पर्याप्त बिस्तर कोविड पेशेंट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। पहले से जो पेशेंट्स अन्य बीमारियों के भर्ती है उसके अतिरिक्त अब बाकी जो बिस्तर बचे हैं या खाली होंगे वो कोविड के पेशेंट्स के लिए होंगे। ऐसे ही भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में नर्मदा अस्पताल के सहयोग से 150 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यहां हल्के लक्षण वाले कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे। भोपाल के रेडक्रॉस अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सहयोग से एक 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जो 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।